अस्सलाम वालेकुम BSN 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज हमारा बायो स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। KMU की स्लाइड्स हैं, सर बख्तियार अली शाह सर की ये स्लाइड्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एक डेटा है, डेटा उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उस डेटा से हमें बेसिकली कौन कौन सी सेंट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए, एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको देता हूं आपकी आपको समझाने के लिए। जितनी भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स है ना, बायो स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो बायो स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का लफ्जी मतलब है डिस्क्राइब करना, यानी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। और इन्फ्रेंशियल क्या होता है, इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है। तो ये बायो स्टैटिस्टिक्स के दो हिस्से हैं, यानी अगर आप ये समझिए कि 50% बायो स्टैटिस्टिक्स है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और 50% जो बायो स्टैटिस्टिक्स है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इस तरह कहना ठीक रहेगा समझने की हद तक। अब अगर आप देखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मुराद है डिस्क्राइब करना, अपने डेटा को डिस्क्राइब करना। डेटा के अंदर हमारे पास आता है मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार पांच चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पांच कंसेप्ट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हैं। और अगर हमारे चैप्टर्स देखे जाएं तो चैप्टर नंबर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये जो पांच चैप्टर्स हैं ये बेसिकली इसी मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से हैं। आज चैप्टर नंबर 3 है, फिर कल जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, परसों चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, तो इन चैप्टर 3, 4 और 5 में बेसिकली हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। तो जब हमारे पास पांच चैप्टर्स कवर हो जाएंगे तो यू समझिए कि 50% ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स आपने कवर कर ली है। उसके बाद आएगी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो कि फिर आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें आप एस्टिमेशन पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। तो ये बाकी चैप्टर्स हैं। आज का जो ये टॉपिक है ये हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो मतलब क्या हुआ, आज हमने पढ़ना है मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पूरी बायो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यही है, इतनी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। चैप्टर वाइज अगर आप चलते जाएं तो पूरी बायोस्टैट्स आपकी कवर हो जाएगी। अब ये जो लेक्चर है इसके एंड पे आपको क्या क्या चीजें समझ आएंगी, सबसे पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, आप उसको कैसे मेजर करते हो, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी बातें समझेंगे मीन के बारे में। ये मीन है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक डाटा कितना डिस्पर्स्ड है, एक डाटा कितना फैला हुआ है, रेंज क्या है उसकी, यानी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है। वेरियंस, वो डाटा कितना डिफरेंट है, कितना आपस में चेंजेस रखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा कितना फैला हुआ है। मीन डेविएशन क्या है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन, मीडियन, मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं और ग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन, मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको समझेंगे। इसके बाद है पॉपुलेशन मीन क्या होती है और सैंपल मीन क्या होता है, ये समझेंगे। ये दरअसल फिर आता है चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में पॉपुलेशन और सैंपल, पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, उसके लिए एक स्पेशल किस्म का थ्योरम होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो कि चैप्टर नंबर 4 और 5 का हिस्सा है, उसमें हम समझेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर का मकसद क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझना। पांच चीजें हैं, मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पांच चीजें हमने समझनी है। तो अगर देखा जाए इस चैप्टर को हम दो हिस्सों पे डिवाइड करेंगे, यानी दो लेक्चर्स होंगे। लेक्चर नंबर 1 है मीन,
मीडियन और मॉड, ये जो अभी लेक्चर चल रहा है इसमें हम मीन मीडियन मॉड पढ़ेंगे, और फिर दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 होगा डिस्पर्शन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 के हम 2 लेक्चर्स करेंगे, ताकि ना ही आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो और आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं या बोर हो जाएं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम लेक्चर नंबर 1 में 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 2 में भी मेनली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर पार्ट 1। सबसे पहली चीज, मीन क्या होता है, व्हाट इज द मीन। ठीक है, मीन आम बोलचाल में एवरेज को कहते हैं, एवरेज को। जैसे कि आप कहें ना कि एक डेटा है आपके पास, मुख्तलिफ डेटा सेट है, ठीक है, तो उसके एक बीच में एक एवरेज क्या निकलता है। एवरेज, इसको सादे से अल्फाजों में ये समझिए, जैसे कि आप कहें कि एक क्लास है और उस क्लास में हर किसी की एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉकेट मनी है। ठीक है, किसी की 10,000 पॉकेट मनी है, किसी की 15,000 पॉकेट मनी है, किसी की 8,000 पॉकेट मनी है, तो मुख्तलिफ पॉकेट मनी है सबकी। आप कहते हो कि यार वैसे तो मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ जो एवरेज हो, यानी ना बहुत ज्यादा वाली हो ना बहुत कम वाली हो, एवरेज बताओ, यानी कोई बीच की बात बताओ। तो ये जो बीच की बात होती है इसको दरअसल हम कहते हैं एवरेज। अब अगर देखिए इसकी डेफिनेशन है, वैल्यू अबाउट विच ऑब्जर्वेशन टेंड टू क्लस्टर। यह डेफिनेशन आपको समझ आएगी, जो इंग्लिश लिखी हुई ज्यादा अच्छी समझ आएगी अगर मैं आपको एवरेज कैलकुलेट करके बताऊं। देखिए सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज से मुराद डेटा, आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा होता है, वैल्यूज होती हैं उस डेटा की, उन सबको आपने आपस में ऐड करना है, उन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उन वैल्यूज को गिन लो, जितनी वो वैल्यूज हैं उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड द सम, तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड कर लो और जितनी वैल्यूज थी उसके ऊपर डिवाइड कर लो। जैसे कि अगर आप देखें आपके पास एक डाटा है जिसमें 110, 108, 110, 122, 110, 150, यूं समझिए कि आपके पास 6 लड़के हैं, एक के पास 110 रुपये, दूसरे के पास 118 रुपये, तीसरे के पास 110, फिर 122, फिर 110, फिर 150, 6 लड़के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लड़के हैं और हर किसी के पास मुख्तलिफ पैसे हैं। मीन कैसे निकालोगे, नहीं एवरेज कैसे निकालोगे, इन तमाम वैल्यूज को आपस में जमा कर लें, और कितने लड़के हैं, 6 लड़के, तो 6 पे इनको डिवाइड कर लें। अगर ये 7 लड़के होते तो इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड करते, अगर ये 5 लड़के होते तो इन तमाम वैल्यूज को हम 5 पे डिवाइड करते। तो जब आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास ये जो आंसर आते हैं, जैसे यहाँ पे 120 आ रहे हैं, इसको आप कहते हैं ये मीन है या एवरेज है। तो इस फॉर्मूले को जरा समझिए कि आपके पास इस एग्जाम्पल में जो पहली चीज है एक्स बार, ये जो आप कहते हैं ना मीन, मीन का एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम कहते हैं एक्स बार, एक्स बार से मुराद मीन। फिर आपके पास है फार्मूला मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ई की तरह का सिंबल बना हुआ है, ये इसको कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब सम करना, ऐड करना, और ये जो आप देख रहे हो ना छोटा सा एक्स, ठीक है, ये एक्स क्या है, ये एक्स आपके पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज है, और ये एन क्या है, एन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स, समेशन का मतलब ऐड करना, तमाम एक्स की वैल्यूज को आपस में ऐड करना, और डिवाइड किस पे करना है, एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फॉर्मूला हुआ एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू कैसे, समेशन एक्स यानी नंबर ऑफ, या एक्स आई भी होता है, ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल है 6, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन कहते हैं, तो ये होता है मीन। अगली चीज होती है मीडियन, मीडियन होता है बीच वाली वैल्यू। जैसे कि आपको एक डाटा दिया होता है 1, 3, 1, 5, 3, 2, 4, अब ये एक डाटा है, इसका मीडियन, इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू से मुराद क्या है, कि आपके पास एक डाटा हो ना, सेंट्रल वैल्यू से मुराद है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आधे इधर हो और एग्जैक्टली आधे इधर हो। अब जैसे कि ये है आपके पास एक डाटा है, सबसे पहले इस डाटा को आप अरेंज कर लें, आप देखिए ये डाटा अरेंज्ड नहीं है,
तो अरेंज कैसे होगा, एक दो तीन चार पांच, यानी इसको अरेंज करेंगे तो एक दो तीन चार पांच बनेगा। इसका मीडियन है तीन, मीडियन क्या है तीन है। क्यों तीन है, क्योंकि तीन के इधर भी दो डिजिट्स हैं और तीन के इधर भी दो डिजिट्स हैं, तो बीच वाली होती है मीडियन। अब फर्ज करें डाटा आपके पास है एक दो तीन चार पांच छह, अब बीच में तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप तीन सिलेक्ट करते हो तो दो इधर है तीन इधर है, नहीं इक्वल। अगर आप चार सिलेक्ट कर लें कि चार मीडियन है, तो देखिए मीडियन के राइट साइड पे दो डिजिट है और मीडियन के लेफ्ट साइड पे तीन डिजिट है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई इवन डाटा आ जाए, इवन, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो बीच वाली दो वैल्यूज हैं, जैसे कि दो इधर और बीच में तीन और चार है, तीन और चार को आपस में जमा कर लें और दो पे डिवाइड कर लें, तो तीन जमा चार इज इक्वल टू सात, सात डिवाइड बाय दो इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। तो 3.5 इस डाटा का मीडियन है। तो जरा समझिए, अगर एक डाटा है ऑड, ऑड ऑड में यानी कि एक तीन पांच सात नौ ग्यारह, ये ऑड वैल्यूज हैं। इवन क्या है, दो चार छ आठ दस, ये इवन है। अगर तो ऑड वैल्यूज हैं, तो ऑड में बड़ा आसान होता है, एक आधे इधर कर लें आधे उधर कर लें और बीच वाली वैल्यू, जैसे पांच एक ऑड है तो एक दो इधर हो गए, चार और पांच उधर हो गए, बीच में तीन आ गया, तो तीन मीडियन था। अब छह एक इवन नंबर है, एक दो तीन एक तरफ पे, चार पांच छह दूसरी तरफ पे, बीच में आता है तीन एक तरफ और चार दूसरी तरफ, तो तीन और चार को जमा करके दो पे डिवाइड कर लें, आंसर 3.5 आएगा। तो उसके लिए आपके पास ये मीडियन है। अब आता है मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो वैल्यू जो ज्यादातर रिपीट हुई है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम कहते हैं मॉड। तो देखें 30 32 35 37 41 45 41, हर एक वैल्यू डिफरेंट है, बस 41 है जो दो बार आया हुआ है, तो क्योंकि 41 दो बार रिपीट हुआ है तो 41 इस डाटा का मॉड है। इसी तरीके से एक और डाटा लें 30 32 35 37 41 45 41 32, इसमें 32 इधर भी है और 32 इधर भी है और 41 इधर भी है 41 इधर भी है, तो इस डाटा का मॉड दो है, 32 भी इसका मॉड है 41 भी इसका मॉड है। अगर इसमें 32 तीन बार आया होता तो इस डाटा का मॉड सिर्फ 32 होता, 41 नहीं होता, क्योंकि 32 फिर तीन बार रिपीट हुआ है, 41 दो बार, और मान लीजिए कि 41 यहां पे चार बार रिपीट हुआ हो तो फिर इसका 32 मॉड नहीं होगा, क्योंकि 32 तीन बार रिपीट हुआ, 41 चार बार रिपीट हो गया, तो 41 जो चार बार ज्यादा रिपीट हुआ है वो उसका मॉड है। अब देखिए ये जो मीन है मीडियन है मॉड है, हम किसी भी डाटा के लिए मीन मीडियन मॉड क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या वजह है इसकी, इसके कुछ फायदे भी होंगे इसके कुछ नुकसान भी होंगे। पहले देखते हैं फायदा क्या है, किसी भी डाटा का मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं। आपने कोई डाटा उठाया है, किसी अस्पताल का है, पेशेंट्स का है, स्टूडेंट्स का है, नर्सिस का है, किसी का भी डाटा है, उसका मीन क्यों कैलकुलेट करें, इतनी मेहनत क्यों करें। सबसे पहले तो इसका फायदा समझिए, मीन कैलकुलेट करना एक बड़ा आसान काम है। एक डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डाटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, डाटा का सेंट्रल थीम समझ रहे हैं। आपको किसी चीज का डाटा मिल गया, उसका मतलब क्या है, आपने इस चैप्टर में उस डाटा का मतलब निकालना है। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है, इतना आसान सा फॉर्मूला है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, इतना आसान सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अप्लाई करें मीन आ जाता है। रिजल्ट इसका बड़ा फर्म रिजल्ट होता है, एस्टेब्लिश्ड होता है, और सबसे बड़ी बात पूरा डाटा देखिए नंबर ऑफ एन है और सारा डाटा सम करना पड़ेगा। मीन कैलकुलेट करने का फायदा कि पूरा डाटा कैलकुलेट हो जाता है, तो इतना फायदा है इसका। और स्टैटिस्टिकल वर्क में क्योंकि हमें पूरे डाटा को देखना होता है, तो आपको एक बहुत बड़ा डाटा एक छोटे से मीन के अंदर आ जाता है, यानी एक क्लास की पॉकेट मनी है, किसी की 8,000 10,000 12,000 15,000। अब क्या हर किसी की पॉकेट मनी याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस क्लास की एवरेज पॉकेट मनी या मीन पॉकेट मनी 12,000 है। तो देखिए पूरी क्लास का डाटा आपने एक लफ्ज से बता दिया कि बस 12,000 है, यानी आपने एक बीच वाली वैल्यू बता दी, तो इतना बड़ा फायदा होता है कि आपको एक पूरी क्लास का डाटा आ जाता है। तो ये तो इसका फायदा है। इसके कुछ नुकसान आते हैं, कभी कभी बड़ी इम्पॉसिबल सी फिगर आ जाती है,
मीन कभी कभी आप कैलकुलेट करते हैं ना और बड़ी इम्पॉसिबल सी फिगर आ जाती है, डिस्क्रीट फॉर्म में एक फिगर होती है, तो वो एक इसकी प्रॉब्लम आती है। उसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे मुख्तलिफ डाटा में, तो हमें समझ आएगी। दूसरा, इट इज़ अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज इसको समझिए। जैसे कि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि तीन दोस्त हैं, एक दोस्त की पॉकेट मनी है 10,000, दूसरे दोस्त की पॉकेट मनी है 20,000 और तीसरे दोस्त की पॉकेट मनी है 30,000। तो मीन क्या होगा, 10 + 20 + 30 / 3, ये होगा ना, 10 और 20 30 30 + 30 60, 60 / 3 = 20। तो तीन दोस्तों की जो एवरेज पॉकेट मनी है वो आती है 20। अब फर्ज कीजिए कि हम कहें कि इस डाटा में एक चौथा बंदा मैं ऐड कर रहा हूं और उस चौथे बंदे की, वो बड़ा अमीर है, वो किसी बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसकी मंथली पॉकेट मनी 2,00,000 रुपए है, ठीक है, 2,00,000 रुपए। अब कहां जो नॉर्मल एवरेज दोस्त हैं 10, 20, 30 हजार वाले, और कहां एक बंदा जिसकी 2,00,000 रुपए पॉकेट मनी है। खैर, अब अगर इन चारों का मीन निकालें, यानी इन चारों को 4 पे डिवाइड करें, तो क्या बनेगा, ये 60,000 है और 2,00,000, तो ये बन जाएगा 2,60,000। अब अगर आप 2,60,000 को 4 पे डिवाइड करो, तो 260 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें, इट इज राउंड अबाउट 65,000। अब आप देखें, चार दोस्त हैं, पहले जब तीन दोस्त थे एवरेज आया था 20, देखिए किसी की 10,000 थी, किसी की 20,000 थी, किसी की 30,000 थी, तो कहीं ना कहीं वो रेंज में आ रहे हैं कि एवरेज 20,000, लगभग 20,000 आप कह सकते कि एवरेज है। अब अगर आप देखें, 2,00,000 एक आपने ऐड कर दिया बंदा जिसके जिसकी कोई थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे पॉकेट मनी है, यानी एक्सट्रीम, अब एवरेज लिया तो वो 65,000 आ गया। अब ये तीन दोस्त, जो पुराने तीन दोस्त हैं, वो 65,000 के करीब करीब भी नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू ऐड हुई, उस एक वैल्यू ने तमाम डाटा को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो अब जो आपके पास एवरेज आ रही, ये करेक्ट एवरेज नहीं है, हर किसी की पॉकेट मनी 65,000 के करीब करीब नहीं है। तो ये देखें, मीन का मसला है कि एक्सट्रीम वैल्यूज से वो इफेक्ट होता है, तो मीन के अंदर कभी भी हम एक्सट्रीम वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उन वैल्यूज की वजह से मीन बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर नीड्स ऑल द डेटा फॉर कैलकुलेशन। मीन के लिए एक नुकसानदेह बात यह है कि मीन में अगर आपके पास कंप्लीट डेटा सेट नहीं है, तो मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए मीन के लिए कंप्लीट डेटा सेट चाहिए। दूसरा टॉपिक है मीडियन। मीडियन जो हमने बात की, बिल्कुल बीच वाला, कि आधे एक साइड पे हो, आधे दूसरे साइड पे हो, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू, उसका फायदा है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 70, अब अगर आप देखें कितने डाटा सेट हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये बीच वाली वैल्यू 4 है। आप चाहे यहाँ पे 70 लिखें, यहाँ पे 80 लिखें, या यहाँ पे 50 लिखें, कुछ भी लिखें, बीच की वैल्यू 4 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियन को एक्सट्रीम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये मेन पॉइंट होता है मीडियन का। मीन बहुत डिफरेंट हो गया था, मीन बहुत चेंज हो गया था, मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सट्रीम पे क्या है। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू आती है, मीडियन एग्जैक्ट वैल्यू है, 4 है तो 4 है, बाकी डाटा कितना भी चेंज होता रहे, और मीडियन अक्सर स्टडीज में इस्तेमाल होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में मीडियन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मीन स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरी स्टैटिस्टिक्स यूँ समझे मीन पे चल रही है, लेकिन मीडियन या मॉड स्टैटिस्टिक्स में मीडियन और मॉड की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मॉड क्या होता है, मॉड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, उसका भी फायदा ये कि एक्सट्रीम पे कुछ भी प्रेजेंट है, रिपीटेड वैल्यू जो आ गई, अगर एक्सट्रीम में लाखों डिजिट्स हैं लेकिन हर कोई एक एक बार आया, और तीन या चार, एक वैल्यू 3 बार आ गई या एक वैल्यू 2 बार आ गई, तो वो मॉड है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, मॉड एक्सट्रीम लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड चेंज नहीं होता। दूसरी बात, हिस्टोग्राम्स कैन बी ऑब्टेन्ड, मॉड की वजह से हमें हिस्टोग्राम बनते हैं। अगर आप
लेक्चर नंबर टू पे जाएं जहाँ पे हमने डाटा की डिस्प्ले या डाटा को प्रेजेंटेशन पढ़ी है, तो हिस्टोग्राम वहाँ पे एक्सप्लेन है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ की तरह होता है, और वो हिस्टोग्राम कब बनते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉड। मॉड आपका हिस्टोग्राम बनाता है, और मॉड बड़ा आसानी से कैलकुलेट होता है। जो वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है वही वैल्यू मॉड है। मॉड का एक नुकसान है कि ये आपको पूरा डाटा सेट नहीं बताता। मीन पूरा डाटा सेट बताता है, मीडियन या मॉड पूरा डाटा सेट नहीं बताते, ठीक है। और मॉड का एक और नुकसान भी है, एक डाटा में दो या दो से ज्यादा मॉड्स भी हो सकते हैं, तो ये एक उसका नुकसान है कि फिर आपको सही आइडिया नहीं होता। अब मीन के हवाले से हमने बात की कि स्टैटिस्टिक्स में मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यूं समझिए कि पूरी स्टैटिस्टिक्स आप यूं समझ सकते हैं कि वो मीन पे चल रही है। लेकिन एक बात याद रखें, आपके पास फर्ज करें दो डाटा सेट हैं, एक डाटा सेट है 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12। देखिए 8 जमा 8 हो गए 16, 16 जमा 9 25, जमा 10 35, जमा 11 44, जमा 12 44, जमा अगर आप 12 करते हैं तो 56, और तकरीबन सॉरी ये अगर आप फिर से 8 जमा 8 16, 16 जमा 9 25, 25 जमा 10 35, 35 जमा 11 46, 46, 46 जमा 12 58, 58 जमा 12 70। तो ऊपर वाली वैल्यू आती है 70। नीचे देखें 1 जमा 4 5, 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 जमा 12 35, 35 जमा 16 51, 51 जमा 19, ये भी आता है 70। अब दो डाटा सेट हैं, ये देखें जी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है और नीचे के अंदर भी 7 है। दोनों को अगर डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 10, और नीचे वाले आंसर भी आता है 10, यानी उस डाटा सेट का भी आंसर 10 है, नीचे डाटा सेट का भी आंसर 10 है। लेकिन अगर देखें ऊपर वाला डाटा सेट बहुत डिफरेंट है, 8, 9, 10, 11, 12, नीचे वाला डाटा सेट 1, 4, 8, 16, 19, यानी बहुत डिफरेंट है आपस में। दो डाटा हैं, आपस में बहुत डिफरेंट है, मीन दोनों का सेम है। तो कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी मीन मिसलीडिंग हो सकता है। आपको लगता है कि दो डाटा सेट हैं, दोनों का मीन सेम है, तो क्या वो डाटा सेट आपस में सेम है? ऐसा नहीं है, कभी कभी मीन मिसलीडिंग हो सकता है। आपको मीन से कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, मीन कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है, यानी कि दोनों डाटा सेट डिफरेंट है। मुख्तलिफ डाटा सेट का मीन सेम आ सकता है, लेकिन वो डाटा सेट एक जैसे नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। यहां तक आपके पास था लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट डिस्पर्शन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू।